इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे चेकिया वुमेन टी10 के दोस्तों आज के फर्स्ट मैच के बारे में, जो आपका खेला जाएगा चेकिया वुमेन और इनके सामने दोस्तों ग्रीस वुमेन की टीम। दोनों टीमों का यह फर्स्ट मैच है टूर्नामेंट का और ये मैच आपका खेला जाएगा दोपहर के 12:30 से। इस वीडियो में क्योंकि दोनों टीमों का दोस्तों फर्स्ट मैच है और मुझे पता है आपको दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो प्लेयर का रिकॉर्ड, प्लेयर का क्या रिकॉर्ड है टी10 और टी20 में, क्योंकि वही बेस पे आप टीम रेडी करोगे। तो इस वीडियो में ना दोनों टीमों के सभी प्लेयर का रिकॉर्ड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, जो आपको बेस्ट 11 प्लेयर को चूज करने में काफ़ी हेल्प करेगा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, ठीक ना, मिस नहीं कीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने फाइनल टीम भी शेयर कर दिया है, सेव कर लीजिएगा। कोई चेंज करना होगा उस टीम में तो मैं एक बार फिर से फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। जिन भाइयों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है ज़रूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंडिया और साउथ अफ्रीका का दोस्तों फाइनल मैच का वीडियो ऑलरेडी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों मैंने गिव अवे भी काफ़ी शानदार रखा है, पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं चेकिया वुमेन और ग्रीस वुमेन के मैच में क्या कम्बिनेशन लेके चलेंगे। इसके लिए ना सबसे पहले आ जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा रेचेल का, जो टी20 में 5 मैच खेल चुकी है, जहाँ पर बैटिंग से 28 रन और वहीं दोस्तों बॉलिंग से भी आपको 1 विकेट ले चुके हैं टोटल 8 ओवर बॉलिंग करके। देखो इनका इंपॉर्टेंस दोस्तों क्यों है, क्योंकि ये ना एक पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेती है और आपको ओपन बैटिंग भी करने आएगी। रिकॉर्ड आपको बहुत बेहतरीन नहीं मिलेगा वुमेन मैच में, बट जो प्लेयर बॉलिंग करते हैं ना उसको आप बैक करके चल सकते हो। नीचे दोस्तों आपको ए लोंगाना का ऑप्शन मिलेगी, ओपन बैटिंग करेगी और एक बहुत अच्छी दोस्तों बैट्समैन भी है, 12 टी20 मैच खेल के आ रही है, जहाँ पे बैटिंग से 142 रन स्कोर किए है। रिकॉर्ड अच्छा है, सिलेक्शन कम है, बट मैं लेके चलूँगा क्योंकि मेरा फोकस रिकॉर्ड पे है। नीचे से टी पैरिस उतनी खास प्लेयर नहीं है, टी20 में 11 मैच में सिर्फ 5 रन ही स्कोर किए, रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है। इनका भी सेम वही है, सी कंटाना भी 203 मैच खेली है, जहाँ पे सिर्फ फील्डिंग की है, बॉलिंग बैटिंग कुछ की नहीं है। तो मैं इंपॉर्टेंट विकेट कीपिंग सेक्शन से ये दो प्लेयर को अपनी टीम में लेके चला हूँ, दोनों ओपन बैटिंग करेंगे, हाई चांस है। बैटिंग सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपको एम प्लम्बर का मिल जाएगा, टी10 में 7 मैच खेलिए, जहाँ पे बैटिंग से 10 रन का स्कोर है, बॉलिंग से 0 विकेट है 1 ओवर बॉलिंग करके। देखो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, लोग पता नहीं क्यों टीम में ले रखे हैं, बट भाई साहब मैं नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि रिकॉर्ड एकदम घटिया है दोस्तों, तो टीम में क्यों लेना। नीचे आइएगा दोस्तों आपको ए तनवीर का ऑप्शन मिलेगा, इनका भी रिकॉर्ड है मेरे पास, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनका जो रिकॉर्ड मेरे को मिला है ना, इनका दोस्तों ODD का रिकॉर्ड मिला है, जो 15-20 ओवर वाला जो मैच होता है ना उसका नहीं मिला है, 30 ओवर 50 ओवर का मैच का रिकॉर्ड मिला है, जिसमें 3 मैच रिकॉर्ड है, जहाँ पे बैटिंग से 3 मैच में 18 रन का स्कोर है और बॉलिंग से 3 मैच में 0 विकेट है 0.2 ओवर बॉलिंग करके। एक मैच में बॉलिंग की थी जहाँ पे सिर्फ 2 ओवर बॉलिंग की थी, तो रिकॉर्ड इनका भी दोस्तों उतना अच्छा तो नहीं है यार, तो इसलिए मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। नीचे आएगा दोस्तों आपको KTK का ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्ड देखे तो टी10 में 9 मैच खेलिए, 0 रन बैटिंग से स्कोर है, बॉलिंग से 0 विकेट है 2 ओवर बॉलिंग करके। अब बताओ यार, मतलब कि ये तीनों प्लेयर का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, बट तीनों प्लेयर का जो रिकॉर्ड है ना इतना ज़्यादा ख़राब है कि यार चाह के भी टीम में हम लोग नहीं लग सकते हैं, ठीक ना। नीचे आइएगा दोस्तों आपको एम दोनों का ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्ड इनका दोस्तों मेरे को मिला नहीं है, मैंने काफ़ी सर्च किया है बट अवेलेबल नहीं दिखाया है। पी चौधरी 3 मैच के लिए टी10 में, जहाँ पे सिर्फ 1 रन स्कोर किए, लीजिएगा ही नहीं दोस्तों, आप इनको भी ड्रॉप करके चल सकते हो। जिनको आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों, एक आपको नीचे ऑप्शन मिलेगी, सिर्फ 3% सिलेक्शन है, एम पोलिमेरी, क्यों आप ट्राई कर सकते हो। इन्होंने दोस्तों ध्यान रखिएगा टी20 में 12 मैच खेली है, 2 रन जरूर स्कोर है, बट 12 मैच में ना बॉलिंग से 7 विकेट ले चुकी है टोटल 14 ओवर बॉलिंग करके, तो इनका रिकॉर्ड बॉलिंग से मेरे को अच्छा मिला है। तो बैटिंग सेक्शन से देखो, मैं तो पूरा रिस्क ले रहा हूँ किन पे, तो इन्हीं पे।
क्योंकि बैटिंग सेक्शन से यदि रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आप प्लेयर को सेलेक्ट करना चाहते हो तो किसी भी प्लेयर का अच्छा रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों इनके अलावा। अब जिनको भी सेफ जाना हो इनके जगह दोस्तों आप ये दोनों में से जिसको लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं मिला है। आप लेना भी चाहो तो इनको दोस्तों आप सेकेंड प्रिफ्रेंस दीजिएगा। अब जो मेन हम लोग प्लेयर अपने टीम में रखेंगे ना वो ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन से रखेंगे। जैसे ऑलराउंडर सेक्शन में फर्स्ट नाम आपको मिलता है दोस्तों एम सीरीवड, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है, कैप्टन भी सी तक दोस्तों आप कर सकते हो। 12 मैच खेलिए दोस्तों T20 में जहाँ पे बैटिंग से 164 रन और 12 मैच में 11 विकेट दोस्तों ले चुकी है, मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है। सेम दोस्तों एम अकाड़ी भी एक बहुत कमाल के दोस्तों ऑलराउंडर प्लेयर है, T20 में 12 मैच खेलिए जहाँ पे 91 रन बैटिंग से स्कोर है और 12 मैच में बॉलिंग से भी दोस्तों आप देखोगे 9 विकेट ले चुकी है 29 ओवर बॉलिंग करके, मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है ठीक ना। नीचे दोस्तों आपको एस नेफलिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये भी आपके लिए दोस्तों एक मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है। 12 मैच खेलिए T20 में जहाँ पे बैटिंग से 116 रन और 12 मैच में बॉलिंग से 4 विकेट ले चुकी है 27 ओवर बॉलिंग करके, इनको भी दोस्तों आप ज़रूर अपने टीम में बैक करके चलिए। नीचे दोस्तों आपको जे कोबिया का ऑप्शन मिलेगा, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, T20 में 4 मैच खेलिए 7 रन बैटिंग से स्कोर है और बॉलिंग से भी 1 विकेट सिर्फ लिए 3 ओवर बॉलिंग करके। डी लैंड का भी दोस्तों उतना अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है, 5 T10 मैच खेलिए 0 रन स्कोर किए और वहीं दोस्तों 0 विकेट लिए टोटल 6 ओवर का बॉलिंग करके। नीचे दोस्तों आपको ए मैशून का ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्शन इनका भी काफ़ी कम है, रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, T10 में 4 मैच खेली है, 1 रन बैटिंग से स्कोर है, 0 विकेट दोस्तों बॉलिंग से लिए और वो भी सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग कराई है। जिन पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो फोकस कर सकते हो, नीचे आपको नाम मिलेगा दोस्तों आर डोपानी, आप चाहो ग्रैंड लीग में रिस्क लेना किसी प्लेयर पे तो इन पे आप ले सकते हो। T20 में 3 मैच के लिए 0 ओवर जरूर, सॉरी 0 विकेट ज़रूर है बट 6 ओवर का ज़रूर आपको बॉलिंग करके गई है। तो ऑलराउंडर सेक्शन से मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये तीनों ऑप्शन आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है। आते हैं दोस्तों लास्ट सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन पे, यहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों एम बेस्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट पिक है और इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपको मारिया को लेना भी चाहिए और एज अ वाइस कैप्टन भी आप चाहो तो इन पे रिस्क ले सकते हो, बहुत ही कम लोग इनको ट्राई कर रहे हैं। 12 T20 मैच खेली है जहाँ पे 13 विकेट ले चुकी है 33 ओवर का बॉलिंग करके। नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा एम उबोना का, देखो दोस्तों इनका भी रिकॉर्ड देखे तो ख़राब नहीं बोलूँगा, T10 में 204 मैच खेली है जहाँ पे 201 विकेट लिए 4 ओवर बॉलिंग करके, डैट मीन सभी मैच में एक एक ओवर का करीब करीब बॉलिंग की है। T20 में 5 मैच खेली है जहाँ पे 204 विकेट लिए 13 ओवर का बॉलिंग करके, तो ट्राई यदि आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ख़राब ऑप्शन मेरे को नहीं दिख रही है। नीचे आपको दोस्तों डी सोबिया का ऑप्शन मिल जाता है, T20 में 9 मैच खेल के आ रही है, बैटिंग से 31 रन स्कोर किए और 9 मैच में दोस्तों बॉलिंग से भी 6 विकेट ले चुकी है 16 ओवर बॉलिंग करके। नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा जे सोकोआ का, इनका भी रिकॉर्ड देखे तो T10 में 5 मैच खेली है, 1 विकेट लिए 9 ओवर बॉलिंग करके। देखो दोस्तों ये ना इनका T10 का रिकॉर्ड है, इसे जानते हो क्या पता चल रहा है, भाई साहब सभी मैच में 2 ओवर का बॉलिंग कर रही है, ले लीजिए। नीचे दोस्तों आपको जियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इनका रिकॉर्ड देखे तो T20 में 1 मैच का रिकॉर्ड है जहाँ पे 1 विकेट लिए 1 ओवर का बॉलिंग करके। नीचे आपको एस भोसले का ऑप्शन मिल जाता है जो आपको बॉलिंग कर सकती है दोस्तों, T20 में 3 मैच खेल के आ रही है जहाँ पे 3 विकेट इन्होंने लिया है टोटल 6 ओवर बॉलिंग करके। लास्ट ऑप्शन दोस्तों आपको पी सिटोल का ऑप्शन मिल जाता है जो 2 मैच खेली है T20 में जहाँ पे 0 विकेट लिए टोटल 3 ओवर बॉलिंग करके। चलिए बात किया जाए कैप्टन मिसी किसको करना है इस मैच में, तो देखो कैप्टन मिसी के लिए ये दो नाम आपके लिए सबसे बेस्ट है इस मैच में जिनको आप कैप्टन मिसी कर सकते हो, दोनों ही बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है और लोग भी दोस्तों इन्हीं को कर रहे हैं। लेकिन थर्ड नाम जिन पे आपको भरोसा ज़रूर रखना है वो है दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से, इनको भी आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो कैप्टन और बीसी करके, क्योंकि एक ऐसी बॉलर है जो आपको 1 ओवर में 2 विकेट 3 विकेट ले सकती है ठीक ना। और पता है दोस्तों वुमेन के मैच में होता क्या है, बॉलर्स को ज़्यादा विकेट मिलता है और वो आपको ज़्यादा पॉइंट देके जाते हैं। मैं अभी के लिए दोस्तों सेफ जाते हुए यही दोनों को कैप्टन भी से किया हूँ, रिकॉर्ड भी अच्छा है और सेफ ऑप्शन भी है। अभी के लिए आप लोग भी इस टीम को सेफ कर लीजिए, अभी तो मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, हाँ बैटिंग पोजीशन को ध्यान में रखते हुए कोई चेंज करना भी होगा इस टीम में तो मैं फाइनल टीम आपको एक बार फिर से फाइनल टीम रेडी करने के बाद टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जिन भाइयों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है मस्ट है ज्वाइन कर लीजिएगा,
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर भी दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक ना दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, एंड बाय बाय।